सारे लोग हैरान है, हर तरफ माफिस थे, जुम्बिशों पपहे थे, हादसा हुआ कैसे, हर कदम पर एक खबर की सुर्खी से शहर में तहलका है, सारे लोग हैरान हैं, हर तरफ महाफिज थे, जुम्बिशों को पहरे थे, हादसा हुआ कैसे, वो बदल के आए थे शहर दिल को मलबे में, वो बदल के आए थे शहर दिल को मलबे में, कुछ कहीं ना छोड़ा था, वो बदल के आए थे शहर दिल को मलबे में, कुछ कहीं ना छोड़ा था, अब वो सब ही हैरान है, खिश्त जा रखी किसने, शहर दिल बसा कैसे, अब वो सब ही हैरान है, खिश्त जा रखी किसने, शहर दिल बसा कैसे। इसी कबीले का और इसी से जुड़ा हुआ एक शेर है कि परकटे परिंदों में एक परिंद ऐसा था, आसमां को तकदा था, परकटे परिंदों में एक परिंद ऐसा था, आसमां को तकदा था, कैसे उसके पर निकले आसमां की जानिब, वो यक बया तोड़ा कैसे, कैसे उसके पर निकले, कैसे उसके पर निकले, पर कटे परिंदों में एक परिंद ऐसा था, पर कटे परिंदों में एक परिंद ऐसा था, आसमां को तकता था, अब कैसे उसके पर निकले, कैसे उसके पर निकले, आसमां की जानिब वो यक बयक तोड़ा कैसे, यक बयक। और ये आखिरी शेर पेश कर रहा हूं कि किस तरफ मनाजिर थे, किस तरफ मनाजिर थे, किस तरफ थी दीवारें और कहां दरीचे थे, किस तरफ मनाजिर थे, किस तरफ थी दीवारें और कहां दरीचे थे, अजनबी जमीनों पर उनकी बंद आंखों को ये पता चला कैसे, अजनबी जमीनों पर उनकी बंद आंखों को ये पता चला कैसे, कि रात एक क्षण आखिरी शेर है कि रात एक क्षण कैसे मेरी नींद टूटी थी, और मैंने पूछा था, रात एक क्षण कैसे मेरी नींद टूटी थी, और मैंने पूछा था, आसमां के हाथों से चांदनी का आईना छूट कर गिरा कैसे, आसमां के हाथों से, आसमां के हाथ, रात एक छना कैसे मेरी
चांदनी का पैमाना छूट कर। खलियानों, खेतों, गीतों और दोहों के हवाले से जब किसी आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे भी तेरे वास्ते घंटा भी लेट हो जाए तो बड़ी होकर सब संकल्प लें। पहुंचती है सुंदर मालेगांव भी पर मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ। ये कर्म है, दर्द है, बूढ़ी माँ के इलाज की स्कीम गांव वाले बना रहे होंगे, माँ के आंसू ये सोचते होंगे मेरे बेटे कमा रहे होंगे, मेरे बेटे कमा रहे होंगे। मुलाहिज़ा कीजिए कि सोचता होगा देखकर स्कूल, मेरी बच्ची भी पढ़ रही होगी। सोचता होगा देखकर स्कूल, मेरी बच्ची भी पढ़ रही होगी और कुटिया के टूटे छप्पर पर सेम की बेल चढ़ रही होगी, सेम की बेल चढ़ रही होगी। वो गांव फाकों में तप रहा होगा, ईद शहरों में हो रही हो। चाहती हो फिर बनारस का पान लगती हो और जब भी मेकअप उतार लेती हो एक पुराना मकान लगती हो, जब भी मेकअप उतार लेती हो एक पुराना मकान लगती हो और घर में क्रिकेट की टीम है फिर भी, घर में क्रिकेट की टीम है फिर भी आज भी तुम जवान लगती हो, घर में क्रिकेट की टीम है फिर भी आज भी तुम जवान लगती हो। और आखिरी आदमी तक ये शेर जाय ना हो कि जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, तुम तो उर्दू जबान लगती हो। वाह भाई क्या कहना सुंदर, वाह वाह वाह। आइए एक मतलब दो शेर। इश्क बहुत बड़ा फलसफा है, आर्ट है, वदियत है परवरदिगार की तरफ से, मगर आजकल बहुत चीप हो गया है। जिसको देखो वो कर रहा है, कोई ट्रेन में खड़ा है वहीं शुरू। अभी मैं चौपाटी भी गया था तो वहां एक साहब इश्क फरमा रहे और बार बार अपनी माशूका को बोल रहे, तुम तो मेरी जिंदगी की किताब हो, तुम तो मेरी जिंदगी की किताब हो, तुम तो। माशूका को गुस्सा आ गया, बोले क्या मतलब क्या है, ये किताब आज ही पढ़नी है? बोले आज पढ़नी नहीं है, आज तो सिर्फ मैं इंडेक्स देखूंगा इसमें कितने चैप्टर्स है और कौन कौन से। अब वो पढ़ा लिखा था ना, तो आइए इश्क की बात करें। पत्थर के मकानों से आवारा हवाओं के उकसाने से टकराई, फिर छत का फटा सीना सीने से। इश्क का बेहिसाब कर डाला, खुद कबासी कबाब कर, खुद कबासी कबाब कर डाला। क्या कहना, और उसके रुखसार की तमाजत में, उसके रुखसार की तमाजत में, उसके रुखसार की तमाजत ने मुझको सूखा गुलाब कर डाला, मुझको सूखा गुलाब कर डाला। और उसने पांव रखा जो पानी में, उसने पांव रखा जो उसने पानी में, सारा पानी शराब। देखिए ये साफ कह रहे हैं पानी शराब कर डाला नहीं, पानी खराब कर डाला। तो भैया मेरे पैर उसने रखा था, आपने नहीं। क्या कहना सुंदर, वाह वाह भाई वाह वाह। उसने पांव रखा जो पानी में, खराब कम पास में। सुड़े रहे हेल्थी ओरल बी, अब 100 ग्राम के 4 लक्स के साथ पर। अरे आप भी अड्डे हो गए हैं सर। Thank you.
स्मार्ट केयर सॉल्यूशंस फ्रॉम एशियन पेंट्स। जुबान दे दो। तुम रास्ता तो नहीं भूले।